हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमडी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिस्टेंस एडमिशन ले रखा है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी 9 और 10 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका पेपर कोड रहेगा BE 1009 आपका पेपर कोड रहता है, 80 नंबर का आपका पेपर रहता है, 3 घंटे आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर के आपके असाइनमेंट जमा होते हैं, 20 नंबर आपको असाइनमेंट के मिलते हैं। नोट में क्या लिखा है, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो आपकी इकाई है दोस्तों, प्रत्येक इकाई से आपको 1 प्रश्न करना है। जो आपकी प्रश्न संख्या 1 है वो अनिवार्य रहेगी और सभी प्रश्नों के अंक आपके समान रहेंगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित करें। ठीक है दोस्तों, टोटल आपको 8 पार्ट दिए गए हैं। पहले प्रश्न में 2 नंबर का आपका एक पार्ट रहेगा, जो आपका पहला पार्ट है प्रदूषण रहेगा, 2 नंबर का आपका एक पार्ट है, 16 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दुर्लभ प्रजातियाँ, वायुमंडल, ऑटोट्रोप्स, ग्रीन हाउस प्रभाव, विषाक्त पदार्थ है, उसके बाद है वन जीव संरक्षण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, इनको डिफाइन करना, आपको परिभाषित करना है, 2 नंबर का आपका एक पार्ट रहेगा। उसके बाद इकाई नंबर 1 से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक स्वरूप पर चर्चा करें, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन दिया गया है इकाई नंबर 1 में। जो आपका तीसरा क्वेश्चन, इकाई नंबर 1 से नोट लिखना आपको, पर्यावरण अध्ययन का महत्व बताना है, 8 नंबर का एक पार्ट रहेगा, 2 पार्ट आपको दिए गए हैं, पर्यावरण के बारे में जन जागरूकता की आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, ये भी 8 नंबर का रहेगा। 16 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, आपको प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यूनिट 1 में, दूसरा और तीसरा, इनमें से आप कोई भी 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद इकाई नंबर 2 में आपका चौथा क्वेश्चन रहेगा, ऊर्जा के अक्षय और गैर अक्षय स्रोत के बीच क्या अंतर है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए, 8 नंबर का एक पार्ट रहेगा। डैम से संबंधित लाभों और समस्याओं पर चर्चा करें, 8 नंबर का दूसरा पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इकाई नंबर 2 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका 5वां क्वेश्चन है, नोट लिखना आपको, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एक व्यक्ति की भूमिका, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, सतह और भूजल का उपयोग और अति उपयोग। ठीक है दोस्तों, ये भी 8 नंबर का रहेगा, प्रत्येक इकाई से आपको 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहेगा। उसके बाद इकाई नंबर 3 रहेगी, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, 6वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों की व्याख्या करें, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न कार्यों की सूचीबद्ध करें, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा इकाई नंबर 3 से। आप देख सकते हैं, जो आपका 7वां क्वेश्चन रहेगा, देख लेते हैं, निम्नलिखित की विशेषताओं, संरचना, प्रकार और कार्य पर नोट लिखे, 2 आपको पार्ट दिए गए, 8 नंबर का एक पार्ट है, वन पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र। उसके बाद इकाई नंबर आपकी 4 रहेगी, जैव विविधता को परिभाषित करें, 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा, जैव विविधता के संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के 2 प्रमुख खतरों पर विस्तार से चर्चा करें, 16 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा इकाई नंबर आपकी 4 से। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, एक्सीटो और इनसीटो संरक्षण में अंतर कीजिए, 8 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जैव विविधता की वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर का एक पार्ट रहेगा, टोटल आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 यूनिट आपको दी गई है, प्रत्येक यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन करना है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, उनके क्वेश्चन पेपर की हमने बात की है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम ID मेरी mdubaexam रहेगी, वहाँ से भी इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने बना रखी है, हिंदी का और हिस्ट्री का, 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने बना रखी है, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल mdubaexam को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।